छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों ने कोबरा 206 बटालियन के जवानों पर आईईडी से हमला किया है। इस हमले में असिस्टेंट कमांडेंट नितिन शहीद हो गए हैं, जबकि 9 सीआरपीएफ जवानों के जख्मी होने की जानकारी मिली है। ये सभी जवान रात 10 बजे के करीब ऑपरेशन से लौट रहे थे, तभी ताड़मेटला इलाके के बुरकापाल से 6 किलोमीटर दूर एक स्थान पर जवान नक्सलियों के निशाने पर आ गए। घायल सभी जवान कोबरा 206 बटालियन के हैं। सुकमा एसपी केएल ध्रुव ने इस हमले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि सभी घायल जवानों को हेलीकॉप्टर से रायपुर ले जाया गया है, जबकि असिस्टेंट कमांडेंट नितिन ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया है। वहीं बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि इस मामले में ज्यादा जानकारी जंगल से जवानों के लौटने के बाद ही मिल पाएगी। जवान ब्लास्ट में घायल हुए हैं या स्पाइक होल से, इसकी भी जानकारी ली जा रही है। दरअसल शनिवार को सुरक्षा बलों की संयुक्त पार्टी ताड़मेटला इलाके में नक्सलियों के खिलाफ सर्चिंग ऑपरेशन पर निकली थी। इसी दौरान देर रात नक्सलियों द्वारा लगाए गए स्पाइक होल में फंसकर कुछ जवान घायल हो गए, वहीं कुछ के आईईडी की चपेट में आने की सूचना है। बताया गया है कि सभी जवान कोबरा 206 बटालियन के हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.